Yes. सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूँ कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उसमें देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्र की अंतरिक्ष सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर और इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहां तक समझ पाया हूं, हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उनमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस दृष्टि से अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। स्टॉप पैरा। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नज़रबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी आज भी स्मरण रखते। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भोंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दृष्टि से देश में विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और उनका सम्मान करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सके तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप।